हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों स्वागत है आपका हमारे शेयर आपके फेवरेट सीरियल इमली में। खुल चुका है मालिनी का राज। आने वाले एपिसोड में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा, जहां पर आर्यन इमली को लेकर त्रिपाठी निवास पहुंचने वाला है। तो दूसरी तरफ मालिनी को सभी घर वाले अपना कॉल करके कहते हैं कि हम तो कहीं पूजा में जा रहे हैं, और अब मालिनी सोचती है कि अब तो मुझे घर चले जाना चाहिए, वही मॉम से बात कर लूंगी। और वो अनु को फोन करके वहीं बुला लेती है, और आदित्य भी शॉक्ड हो जाता है कि वो हमें वहाँ क्यों बुला रही है। तो वहीं देखने को मिलता है कि मालिनी घर पहुंचती है और वहाँ पर काफी अंधेरा हो जाता है, और उसे लगता है पता नहीं कौन है। इसके बाद में इमली वहाँ पर प्रोजेक्टर और स्क्रीन सब कुछ लेकर वहाँ पर खड़ी होती है और कहती है कि आज आपके काले कारनामे खुल के ही रहेंगे। जिसके बाद में मालिनी कहती है तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तुम हार चुकी हो और तुम्हारे पास कुछ नहीं है, वो सारे सबूत तो मैंने मिटा दिए हैं। बाद में आर्यन आता है और कहता है कि इतनी आसानी से सामने वाले को हारती हुई हार नहीं देखनी चाहिए, वो जीत भी सकता है। तो उसके बाद देखने को मिलता है कि यहाँ पर आर्यन कहता है कि पहले आप आदित्य इमली कहती है कि पहले तो आप तीन थी और हम दो थे, लेकिन इस बार अब हमारे साथ में। आर्यन कहता है कि मैं भी खड़ा हूँ और अब फेयर गेम होगा। के बाद देखने को मिलता है कि इमली यहाँ पर प्रोजेक्टर पर वही स्टोरी वीडियो चलाते नजर आती है, जिसमें कि वो बुलडोजर चला रही होती है, और वो ड्रोन से बनाया गया था और उसका अंदाज़ा भी इमालिनी को नहीं था। और आर्यन कहता है कि अगर आपने नीचे कर रही हरकतों की थोड़ी सी भी कदर होती, फिक्र होती ना कि इनका क्या नतीजा होगा, तो आप थोड़ा ऊपर वाले के लिए भी सोच लेती, ऊपर हमारे ड्रोन भी चल रहे थे। इसके बाद में वो कहानी तो होती है और मालिनी कहती है तुम्हें तो वही मर जाना चाहिए था, मुझे तुम्हें वही मार देना चाहिए था, ये किस्सा ही कदम है, और अभी मैं कोई कुछ बिगड़ा नहीं है। लेकिन पूरा परिवार उसे देख रहा, आदित्य देख रहा है, और अनु का मुंह बंद करके और रूपाली उसे खड़ी रखती है, और वो तड़प रही होती कि वो मालिनी को रोके, लेकिन वो रोक नहीं पाती। और देखने को मिलता है कि मालिनी एक के बाद एक अपनी गुनाह कबूल करते नजर आती है, कि कैसे उसने सत्यकाम को भी फंसाया, कैसे उसने आदित्य को उससे दूर किया, और कैसे उसने वो ड्रिंक में सब कुछ मिलाकर आदित्य के साथ में रात गुजारी, सब कुछ वो कबूल कर लेती है। जिसके बाद यहाँ पर आदित्य आता है और वो शॉक्ड है ये सब कुछ सुनकर, और आदित्य सिर्फ इतना ही कहता है, मालिनी और पूरा परिवार भी वहाँ पर होता है, और यहाँ पर मालिनी बुरा रखते नजर आती है और शॉक्ड हो जाते हैं सभी के सभी, और वो प्रोजेक्टर तोड़ देती है, लेकिन अपना उसको जोरदार थप्पड़ मार देती है और कहती है कि केस तो अब हम करेंगे, और वो साफ फैसला कर लेती है कि अब जब तक आदित्य सही फैसला नहीं करेगा तब तक वो घर में वापस नहीं आएंगे। और आदित्य को इतना झटका लगा है कि वो कुछ बोल भी नहीं रहा, और वो अब देखते हैं क्या कदम उठाता है। घर वालों ने मालिनी के बच्चे को भी अपनाने से इनकार कर दिया। अब देखते हैं कि क्या नया तमाशा होता है।